नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे। सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के। तो सबसे पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड को ले रहा हूं, ये साइड को, ये राइट साइड बराबर के इधर वाली साइड, राइट हैंड साइड बराबर के इधर वाली राइट साइड को ले रहा हूं। इसको हल करके मैं लेफ्ट साइड के बराबर सिद्ध करूंगा। तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें पता है जब दो ब्रैकेट आपस में गुना होते हैं तो पहले ये एक्स जो है ये इससे, इससे और इससे, तीनों से गुना होगा। उसके बाद ये वाई इससे गुना होगा, इससे गुना होगा और तीनों से गुना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को अब हम ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये x गुना होगा x स्क्वेयर से, तो x गुना x स्क्वेयर होता है x की पावर 3। फिर ये x गुना होगा इससे, तो प्लस इंटू माइनस है माइनस, x इंटू एक्स वाई हो गया x स्क्वेयर वाई। फिर ये x गुना होगा तीसरी रकम से x इंटू वाई स्क्वेयर, साथ में प्लस का निशान है तो एक्स वाई स्क्वेयर। अब हम इसके बाद इस y को इस एक्स स्क्वेयर से, पहले अब ये y इन तीनों से गुना होगा, y एक्स स्क्वेयर से गुना होगा, तो y एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर को मैं पहले लिखूंगा, y को बाद, x वाली रकम पहले y वाली बाद में। ये बना y एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर y एक्स स्क्वेयर बन गया ये। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो प्लस इंटू माइनस माइनस y इंटू एक्स वाई, वाई इंटू वाई होगा y की पावर 2, x साथ में आ जाएगा, तो x पहले लिखो y बाद में लिखो, y की पावर होगी 2। तो ये बना था y इंटू एक्स वाई बन गया x वाई स्क्वेयर, वो लिख दिया। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस y इंटू वाई स्क्वेयर होगा y की पावर 3। अब बच्चों हम ध्यान से देखेंगे इसको, ये है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वाली तो और कोई रकम है नहीं, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई वाली। अब आपको लगेगा ये एक जैसी है, नहीं बेटा, यहां एक्स की पावर 2 है, यहां वाई की पावर 2 है, ये एक जैसी रकमें नहीं है। लेकिन ये देखिए आप, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1, इसके साथ माइनस का निशान है, इसके साथ प्लस का निशान है, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई के साथ कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा मतलब एक्स स्क्वेयर वाई में से एक्स स्क्वेयर वाई माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से यह है एक्स वाई स्क्वेयर, ये है एक्स वाई स्क्वेयर, है ना बच्चों, एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, इसके साथ प्लस का निशान है, इसके साथ माइनस का निशान है, तो फिर वही प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर के साथ कट जाएगा, क्योंकि एक्स वाई स्क्वेयर में से एक्स वाई स्क्वेयर माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब बाकी यहां पर देखिए एक्स क्यूब बचा था, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बाकी वाई क्यूब बचा। ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये समान पद है नहीं, आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते, यहां से बच गया एक्स क्यूब और यहां से बच गया प्लस वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ध्यान से देखेंगे यही हमारी पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका मतलब ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि ये जो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के। ये भी बच्चों एक तरह की सरव समीका है, ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, सरव समीका है, और ये हम आगे बड़ी क्लासेस में भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना था, सबसे पहले राइट हैंड साइड ली,
उसे आपस में दोनों ब्रैकेट्स को गुणा किया और जो कटता था काट दिया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ही बच गई। तो बड़ी आसानी से ये सिद्ध हो गया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा अच्छे से, ये काम समझ आया होगा अच्छे से। और यदि ये आपको अच्छे से समझ आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।